टू माई यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि केस स्टडी क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको देखकर आपको आंसर्स का आइडिया लग जाएगा। तो आज जिस चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और इसके भी मैं 10 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डिपेंड अपॉन the prevailing situations and their applications has to be changed as per the requirement of the situation। जो principle of management होते हैं वो situation के हिसाब के situations पे depend होते हैं, जिस हिसाब से situation change होती है हम उसी हिसाब से इन principles में भी changes करते हैं। जैसी हमें situation requirement मांगती है उस हिसाब से हम principles को apply करते हैं। Which characteristic of management principles are mentioned here? यहाँ पे किस कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की? सो योर आंसर इज कंटिंजेंट। अब कंटिंजेंट का मतलब ही होता है सिचुएशन के हिसाब से आप प्रिंसिपल्स या किसी भी चीज़ को सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं कंटिंजेंट। सो यहाँ पे आपका कीवर्ड क्या हो गया? सिचुएशन, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिचुएशंस, सिचुएशन की ज़रूरत के हिसाब से आप अपने मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें आप प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हो, तो ये चीज़ आपकी क्या शो करती है? प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन कंटिंजेंट या फिर कंटिंजेंट से रिलेटेड आपका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ इंट्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। टेलर एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन। टेलर के अकॉर्डिंग प्लानिंग एक अलग फंक्शन है और एग्जीक्यूशन एक अलग फंक्शन है, दोनों सेपरेट हैं। विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज सजेस्टेड टू अचीव इट। कौन सा ऐसा आपका टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट है जो कि इस बात को अचीव करता है यानी सजेस्ट करता है? ऑल्सो नेम एनी टू स्पेशलिस्ट हु वुड हेल्प इन दिस फंक्शन। कोई दो स्पेशलिस्ट के नाम भी बताएं जो इस फंक्शन को अचीव करवाने में हेल्प करते हैं। तो जहाँ पे आपका कीवर्ड आ गया कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दो अलग अलग चीज़ें हैं यानी दो अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हम उन्हें दो अलग भागों में बांटते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्क करवाते हैं। सो यहाँ पे आपका कौन सा टेक्निक अप्लाई हो रही है? फंक्शनल फोरमैनशिप। सो योर कीवर्ड इज़ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, दोनों सेपरेट हैं, दोनों का काम अलग अलग है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में भी यही होता है कि आपका एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है और एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है या एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट होता है, और आपको इनके कोई भी दो स्पेशलिस्ट के नाम लिखने हैं। सो योर आंसर इज़ गैंग बॉस एंड स्पीड बॉस, ये दोनों ही आपके दोनों डिपार्टमेंट्स के अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। नेम द टेक्निक ऑफ टेलर विच सजेस्ट दैट मैनेजमेंट एंड वर्कर्स नीड टू चेंज देयर आउटलुक एंड एटीट्यूड्स टूवर्ड्स ईच अदर। कौन सी ऐसी टेक्निक है टेलर की जो ये सजेस्ट करती है मैनेजमेंट के थ्रू कि वर्कर्स को मैनेजमेंट को और वर्कर्स को दोनों को ही अपने आउटलुक यानी देखने के नज़रिए और एटीट्यूड अपने मिजाज को चेंज करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के साथ मिल के वर्क करना चाहिए, ईच अदर दोनों के बारे में सोचना चाहिए एक दूसरे के बारे में। तो ये जो आपकी टेक्निक है कौन सी है? मेंटल रेवोल्यूशन। यहाँ पे टेक्निक जो अप्लाई हो रही है वो है मेंटल रेवोल्यूशन की, यहाँ पे बात हो रही है कि दोनों को ही मैनेजमेंट और वर्कर्स को अपने पर्सपेक्टिव को अपने एटीट्यूड्स को एंड अपने आउटलुक्स को चेंज करने की नीड है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। टेलर इन वन ऑफ हिज प्रिंसिपल सेट दैट ईच जॉब परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड नॉट ऑन इंट्यूशन। टेलर का कहना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आप स्टडी करें, जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसकी साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए, अच्छे से आप फाइंडिंग्स निकालें और तब उस पर वर्क करें। आपको केवल अपने इंट्यूशन पे, अपने आत्म भाषा पे या अपने अपने इंट्यूशंस या जो आप सोच रहे हो उसके बेस पर नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है तो ये काम कर लेते हैं, ये डिसीजन ले लेते हैं, नहीं, आपको साइंटिफिक इंक्वायरीज करनी चाहिए तब कोई डिसीजन लेना चाहिए। ये कौन सा आपका प्रिंसिपल है टेलर के द्वारा दिया गया? सो योर आंसर इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी हमें अंदाजे से वर्क नहीं करना है, हमें साइंटिफिक स्टडी के बेस पर काम करना है। यहाँ पे आपका कीवर्ड कौन सा हो जाएगा?
इंट्यूशन एंड साइंटिफिक इंक्वायरी, ठीक है, कि हमें इंट्यूशन पे वर्क नहीं करना है, हमें साइंटिफिक इंक्वायरी के थ्रू कोई वर्क करना चाहिए. नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन विच वर्कर्स शुड बी इनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. कौन सा ऐसा आपका प्रिंसिपल है, ऐसा प्रिंसिपल बताइए जो कि ध्यान देता है कि वर्कर्स शुड बी इनकरेज, वर्कर्स को प्रोत्साहन मिलना चाहिए टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स, अपने बताए हुए प्लान्स वगैरह के अकॉर्डिंग वो वर्क कर सकें, इस तरीके के लिए उनको इनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए. इससे ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रूवमेंट होगा और साथ साथ हमारे वर्कर्स का भी इम्प्रूवमेंट होगा. तो ये जो बात है ये किस प्रिंसिपल में कही गई हैं? सो योर आंसर इज़ इनिशिएटिव. इनिशिएटिव प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल का मतलब ही ये है कि आपको अपने वर्कर्स, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को सजेशंस वगैरह देने का एक मौका देना चाहिए, उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी बात कहें मैनेजमेंट के सामने, और अच्छे अच्छे सुझाव अपॉर्चुनिटी उन्हें ऐसी देनी चाहिए जिससे वो अपना डेवलपमेंट कर सकें और साथ साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी. सो योर आंसर इज़ इनिशिएटिव. नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प इन एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी. ऐसी कौन सी साइंटिफिक टेक्निक है जो कि एलिमिनेट करती है, दूर करती है अननेसेसरी डाइवर्सिटी को ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट में जो आलतू फालतू काम हो रहे हैं उनको एलिमिनेट करने का काम करती है, ठीक, एंड हेंस रिजल्ट इन सेविंग कॉस्ट, और खर्चा बचाने में भी मदद करती है. ऐसी कौन सी टेक्निक है? सो योर आंसर इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. जब आप काम को, टेक्निक को, प्रोडक्शन जो हो रही है उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका खर्चा भी बचेगा और साथ साथ आप एलिमिनेट कर पाएंगे, दूर कर पाएंगे अननेसेसरी डाइवर्सिटीज़ को, यानी कि जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है उन चीज़ों को आप दूर कर पाएंगे. सो ये आप क्या कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं? सो योर आंसर विल बी सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क कर रहे हैं. और एक चीज़ और, यहीं अगर सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क की जगह आपका आंसर होना होता स्टैंडर्डाइजेशन, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपके आपको दिखाई देते हैं अपने क्वेश्चंस में कि वर्क को यूनिफॉर्म वे में कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके जो प्रोडक्ट हैं वो आपस में, या जो रॉ मटेरियल है वो आपस में इंटरचेंज हो सकता है, इस तरह का इंटरचेंज वर्ड वगैरह आ जाए तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है. यूनिफॉर्मेशन या एक्सचेंज या इंटरचेंजबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स या इंटरचेंजबिलिटी ऑफ मेथड्स, ये सारे वर्ड्स आएंगे. सो योर आंसर विल बी स्टैंडर्डाइजेशन. और वहीं अगर काम को आसान करने की बात हो रही होती, एलिमिनेट करने की बात होती, खर्चा बचाने की बात होती, तो यहाँ पे कौन सी टेक्निक है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. रोहित इज़ वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन अ कंपनी. रोहित एक प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट पर काम करते हैं कंपनी में. देयर इज़ नो क्लास कॉन्फ्लिक्ट. यहाँ पर कोई भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी जाति भेद नहीं होता है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. द वर्किंग कंडीशन आर वेरी गुड. वर्किंग कंडीशंस भी बहुत अच्छी हैं. द कंपनी अर्निंग मैसिव प्रॉफिट. कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमा रही है. एज अ पॉलिसी द मैनेजमेंट शेयर द प्रॉफिट अर्न विद द वर्कर्स. पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट है वो अपने हिस्से का प्रॉफिट अपने वर्कर्स के साथ शेयर भी करती है. बिकॉज दे बिलीव इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़. क्योंकि वो ऐसे मानती है कि एम्प्लॉयज़ की प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, उनकी भी बढ़त होनी चाहिए. स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब इन द अबव पैरा. यहाँ किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है? तो ध्यान रखिए, आपको कीवर्ड पे मेन फोकस करना है. फिलहाल आपका पहला ध्यान जा सकता है कि ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट लिखा है तो इसलिए हमारा आंसर हो सकता है इक्विटी पे ध्यान दे रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. पूरी केस स्टडी पढ़ा करिए, ये बहुत ज़रूरी है. कई बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं कि एक कीवर्ड देख लिया या एक वर्ड देख लिया तो उससे पूरा ही केस स्टडी का कंक्लूजन निकाल डाला. नहीं, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप केस स्टडी जो है उसे पूरा पढ़िए और ध्यान दीजिए कि कंक्लूजन में क्या कहा जा रहा है. हमारे इस केस स्टडी में कंक्लूजन की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, कि कंपनी की पॉलिसी है कि वो मैनेजमेंट जो है वो प्रॉफिट शेयर करती है वर्कर्स के साथ, और उनका मानना है कि जो प्रॉस्पेरिटी है एम्प्लॉयज़ की वो होनी चाहिए, यानी कंपनी की प्रॉस्पेरिटी एम्प्लॉयज़ की प्रॉस्पेरिटी पर डिपेंड है, इसलिए वो प्रॉफिट भी शेयर करती है, ठीक. तो ये जो दो बातें हैं ये किस प्रिंसिपल पे हमें ध्यान दे रही है? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड पे, ठीक है.
हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में आपका पॉइंट होता है कि वर्कर्स के साथ एम्प्लॉयज़ के साथ प्रॉफिट शेयरिंग की जाए, तो आंसर क्या हो जाता है फिर, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसलिए यहाँ पे केवल क्लास कॉन्फ्लिक्ट को लेकर नहीं चलेंगे हम, ठीक है। कंक्लूजन आते आते उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने ये कह दिया कि वो प्रॉफिट शेयर करती है, ठीक है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होता, वो सब अलग बात है, नहीं होता। लेकिन नीचे आते आते आपका कंक्लूजन क्या निकल रहा है केस स्टडी का, मेन मुद्दे वाली बात जो हो रही है वो क्या हो रही है कि प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है और प्रॉस्पैरिटी ऑफ वर्कर्स पर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता है, इसीलिए वर्किंग कंडीशन भी बहुत अच्छी है। सो यहाँ मेन मुद्दा क्या है कि वो प्रॉस्पैरिटी पर ध्यान दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ की। सो योर आंसर विल बी हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, अगेन अ बिग केस स्टडी, आराम से सॉल्व करेंगे। अंजलि एंड अनिल कंप्लीटेड देयर MBA एंड कमेंस्ड वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी एट द सेम लेवल। अंजलि और अनिल जो है उन्होंने अपने MBA को कंप्लीट किया और दोनों ही सेम पोजीशन पे एक कंपनी में काम कर रहे हैं। बोथ ऑफ देम वर्कड हार्ड, दोनों ही बहुत मेहनती हैं, एंड वर हैप्पी एंड विद देयर एम्प्लॉयर्स, दोनों ही बहुत अच्छे से काम करते हैं और दोनों ही खुश हैं अपने एम्प्लॉयर से, यानी कि अपने बॉस से। अनिल हैड द हैबिट ऑफ बैक बीटिंग। अब इसमें से जो अनिल हैं उनकी आदत है पीठ पीछे गलत बातें बताना अपने बॉस को बाकी एम्प्लॉयज़ के बारे में, ठीक है। यानी वो जो चुगली वगैरह करते हैं वो आदत है अनिल की यहाँ पे, ताकि वो अपने बॉस को इम्प्रेस कर सके। ऑल दी एम्प्लॉयज़ इन दी ऑर्गेनाइजेशन न्यू अबाउट इट, और सारे एम्प्लॉयज़ ये बात जानते भी हैं कि अनिल का बिहेवियर ऐसा बैक बीटिंग का है। एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल द परफॉर्मेंस ऑफ अंजलि वॉज जज्ड टू बी बेटर देन अनिल। अब जब परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात आई, यानी कि प्रमोशन वगैरह करने की बात जब आई, तो ये देखा गया कि अंजलि जो हैं वो अपने काम में ज़्यादा बेटर हैं अनिल से। इवन देन देयर बॉस सौरव, लेकिन फिर भी जो उनके बॉस सौरव थे, डिसाइडेड टू प्रमोट अनिल, उन्होंने अनिल का प्रमोशन करने की सोची। दैट बीइंग अ फीमेल, क्योंकि फीमेल होने के नाते जो अंजलि हैं नॉट बी एबल टू हैंडल दी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हायर पोस्ट, उन्होंने ये सोचा कि लड़की होने के नाते वो हायर पोस्ट की जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जो प्रॉब्लम्स होगी, मे बी अंजलि उन्हें सॉल्व ना कर सके, इसलिए उन्होंने यहाँ पे अनिल का प्रमोशन करने की सोची, ठीक। नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच हैज़ नॉट फॉलोड बाय दिस मल्टीनेशनल कंपनी। कौन से एक प्रिंसिपल को इन्होंने वॉयलेट किया है या फॉलो नहीं किया है। तो यहाँ पे जो सौरव है उन्होंने कौन से प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया है, इक्विटी को फॉलो नहीं किया है। केस स्टडी में ध्यान दीजिए, आपको कीवर्ड बहुत साफ नज़र आ गया होगा कि उन्होंने भेदभाव किया रिगार्डिंग जेंडर, ठीक है। फीमेल हैं इसलिए कॉम्प्लिकेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगी, ये उनका सोचना था। और ये चीज़ किसको प्रमोट करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रमोट करता है, जेंडर बायस को प्रमोट करता है। सो योर आंसर विल बी इक्विटी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इन अ कंपनी देयर आर 4 सेपरेट डिपार्टमेंट्स। एक कंपनी में 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड HR, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो हो रहा है। बहुत आसान है, बात कर दी गई, 4 डिपार्टमेंट्स डिवाइड हैं और उनके नाम भी बता दिए गए। जब आप काम को डिवाइड करते हैं तो आप कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के नाम दिए हैं, कहा गया है काम को डिवाइड किया गया है, 4 सेपरेट यूनिट्स बना दी गई, 4 सेपरेट डिपार्टमेंट्स बना दिए गए, 4 सेपरेट डिवीजन्स बना दी गई। ये सब चीज़ें क्या हैं, आपके किस प्रिंसिपल को शो करती हैं, डिवीजन ऑफ वर्क को। नेक्स्ट मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10। इन अ कंपनी देयर इज ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क। एक कंपनी है जहाँ पे वर्क को इक्वली डिवाइड किया जाता है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बहुत अच्छे से डिवाइड किया जाता है। अब कुछ बच्चे हैं जो बाकी चीज़ ना पढ़ के सीधे क्या कर सकते हैं, केवल इतने पे ध्यान दें और नीचे लिख दें कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हुई है या फिर डिवीजन ऑफ वर्क हुआ है। तो नहीं, ऐसा नहीं करिएगा, बाकी भी पढ़ लेते हैं। द मैनेजमेंट इवन टेक्स वर्कर इन टू कॉन्फिडेंस। जो मैनेजमेंट है वो वर्कर्स का विश्वास जीतती है, यानी उन्हें कॉन्फिडेंस में लेती है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, यानी कोई भी डिसीजन लेने से पहले वर्कर्स से पूछा जाता है, उनकी राय ली जाती है। ऑल दी वर्कर्स आर सेटिस्फाइड एज द बिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट इज़ वेरी गुड। यहाँ पे जितने वर्कर हैं वो सेटिस्फाई हैं क्योंकि मैनेजमेंट का बिहेवियर बहुत अच्छा है।
आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब इन द अबव पैरा, कौन से प्रिंसिपल की यहाँ पे बात हो रही है. सो योर आंसर विल बी कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. मिल के काम करते हैं, ठीक है. कॉन्फिडेंस में लेती है मैनेजमेंट सारे वर्कर्स को, ठीक है. कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है तो उनकी भी सुनी जाती है. सेटिस्फाइड हैं वर्कर्स यहाँ पे एक यहाँ पे अपनी मैनेजमेंट से. ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही हैं कि मैनेजमेंट जो है वो कोऑपरेशन से काम लेती है, मिलजुल के वो एज अ टीम वर्क काम करते हैं, ना कि इंडिविजुअलिज्म से. अलग अलग नहीं, भेदभाव नहीं, किस चीज़ में वर्क करते हैं एक साथ मिल के काम करने में. कोई भी डिसीजन में वो वर्कर्स की भी सुनते हैं, उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लेते हैं. सो योर आंसर विल बी कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. सो यहाँ पे आपका मेन कीवर्ड क्या दिख गया आपको, कॉन्फिडेंस ऑफ वर्कर्स, ठीक है. वर्कर्स के कॉन्फिडेंस को गेन करना या वर्कर्स को सेटिस्फाई रखना, उनकी उनके सजेशंस की रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में. सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन केस स्टडी फ्रॉम चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. आज हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के. मैं नेक्स्ट वीडियो में 3rd चैप्टर के केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करूंगी. इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिए, ताकि आपको सारे चैप्टर्स के जो केस स्टडी हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हैं और चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, वो सब कुछ आपको यहाँ इस एक चैनल पर मिल जाए. उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा. बाकी चैनल को शेयर जल्दी से कर दीजिए बाकी स्टूडेंट्स में भी. अभी अभी आपका नया 12th शुरू हुआ है, उस केस में एक अच्छा गाइडेंस आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से बोर्ड के पेपर्स देने हैं. बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए. और इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपके आपका सवाल है या कोई आप सजेशन देना चाहते हो वीडियो से रिलेटेड, तो वो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं. बाकी अच्छे से पढ़िए, बोर्ड के लिए पूरा कोर्स आपका बोर्ड में आ रहा है. जल्दी ही मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो आपको ये भी बताऊंगी कि आपके इस बार जो नया सिलेबस आया उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इंक्लूडेड हैं, डिलीट नहीं हैं, या क्या टॉपिक्स हैं जो डिलीट हैं, ठीक. तो वो भी वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊँगी. बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.